हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पैशंस मैथ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट फिर बना सकूं। चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन, देखिए जो इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका जो है डिफरेंशिएशन का जो है उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूला हमने लिखा है, देखिए इसे एक्स पावर एन डी एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, डी वाई डी एक्स का यूज करते थे, और इसमें इंटीग्रेशन में वाली फोर आपको डी एक्स का यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन आप एक्स क्यू का कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका एक्स के स्थान पे एक्स हो जाएगा, और ये एन के स्थान पे आपका थ्री हो जाएगा, और प्लस वन नीचे में थ्री प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे आप दो एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका वन बाय टू प्लस सी। कुछ बेसिक बात आप लोग याद रखिए। उसके बाद जब आप कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कोस का उल्टा होता है आपको साइन, साइन टू एक्स। और आपको टू एक्स का भी इंटीग्रेशन करना होगा, तो टू एक्स का इंटीग्रेशन जो है हमने आपको बताया है वन बाई टू, ठीक है ना, प्लस सी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक पे चलते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर एक है साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स देखिए यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा मेरे भाई, साइन टू एक्स का जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पर साइन का जो उल्टा होता है वो होता है माइनस कोस, माइनस कोस टू एक्स का टू एक्स, और इनटू ये आपको टू एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। तो टू एक्स का जब आप इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ पर आपको यहाँ बताए थे हम, यहाँ पे वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस सी। इसी को आप सजा कर लिख दीजिए, वन बाई टू को आप शुरू में लिख दीजिए, उसके बाद आप कोस एक्स टू एक्स लिख दीजिए, प्लस सी लिख दीजिएगा, आपका यही क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो है कोस थ्री एक्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो दो है आपका कोस थ्री एक्स है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि टू एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई टू कहाँ से आया, ठीक है ना, ये बेसिक बात है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर कोस थ्री एक्स का आपको इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोस जब थ्री एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है आपको साइन, क्या होता है, साइन थ्री एक्स इंटू। जैसे आपको टू एक्स का जब इंटीग्रेशन किए थे तो वन बाई टू हुआ था, तो आपको थ्री एक्स का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा मेरे भाई तो वन बाई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और प्लस सी। इसी को आप सजा कर लिख दीजिए, वन बाय थ्री का वन बाय थ्री, ठीक है ना, वन बाय थ्री का वन बाय थ्री, उसके बाद आपको साइन थ्री एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। जैसे आप इंटीग्रेशन किए थे ई पावर टू एक्स का, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मेरे भाई। देखिए क्या करना है, तो ये सेम रहता है, ठीक है ना, इंटू टू एक्स का कीजिएगा वन बाई टू प्लस सी। तो इसको जब आप सजा कर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर टू एक्स, ठीक है ना, बाय टू प्लस सी, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है ना। देखिए e पे पावर टू एक्स का e पावर टू एक्स हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको टू एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा वन बाई टू हो जाएगा, और प्लस सी का, चूंकि ये बदलता नहीं है, सेम रहता है, फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, ठीक है ना। इसका सेम का सेम लिखे, और टू एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई टू हुआ, हमने वन बाई टू लिखा और प्लस सी हुआ। इसको मैंने सजा कर लिख दिया, देखिए यहाँ पे e पे पावर टू एक्स को जब एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e पे पावर टू एक्स हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, प्लस का प्लस, सी का सी, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर यहां बताते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 है a पावर x प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, यहाँ फार्मूला बताया था आपको एन प्लस वन, तो स्क्वायर जो है इसमें मेरे भाई एन के स्थान पे दो है, उसमें एक जोड़िएगा तो दो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में भी आपका वही हो जाएगा दो प्लस वन। अब फिर आप ए का इंटीग्रेशन कीजिएगा, ए का, तो ए का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वन बाय ए हो जाएगा और प्लस सी का सी, ठीक है ना। इसी को आप इस टाइप से लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी पर पावर थ्री इंटू थ्री, ठीक है, और इसको जब ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थ्री ए हो जाएगा और प्लस सी, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन टू एक्स माइनस फोर ई पावर थ्री एक्स। चलिए हम लोग इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों को ले लेते हैं, साइन टू एक्स को और माइनस फोर ई पावर थ्री एक्स को, और डी एक्स का डी एक्स, इंटीग्रेशन में डी एक्स का इस्तेमाल होगा। अब चलिए यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, देखिए एक बार आप साइन 2x का इंटीग्रेशन कीजिए और एक बार आप फिर 4 e पावर 3x dx का इंटीग्रेशन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, साइन का उल्टा होता है माइनस कोस, 2x का 2x इंटू 2x का इंटीग्रेशन फिर तो आपको करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, जब 4 को आप बाहर निकाल दीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, e पावर 3x dx प्लस c बचेगा ना, क्योंकि e पावर 3x का सेम टू सेम लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2, आप इसको थोड़ा सा सजा कर लीजिए, 1/2 को आगे में लिख दिए cos 2x माइनस 4 इंटू e पावर 3x इंटू 3x का जो आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, जैसे 2x का इंटीग्रेशन किए थे तो 1/2 आया था, उसी प्रकार आप जब 3x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/3 आएगा और प्लस c, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएंगे।